प्रणाम सलाम नमस्ते। एडूफन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर है उसमें जो सबसे फर्स्ट पहला टॉपिक है आपका थायरिस्टर फैमिली यानी कि SCR, उसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम SCR के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, थायरिस्टर या SCR क्या है, एक PNP डिवाइस है, NPN, PNPN या PN डिवाइस है। तो जो थायरिस्टर आपका होता है या SCR आप कह सकते हो, तो ये आपका PNPN यानी कि PNPN यानी कि इसमें चार लेयर होती हैं, ठीक है, 4-layer डिवाइस है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कितनी लेयर के डिवाइस है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में हो सकते हैं। तो आप बताओगे जो है ये आपका 4-layer डिवाइस है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है इसमें कितने जंक्शन हैं, तो जंक्शन देखो PN जंक्शन एक ही है, एक ये दो और एक ये तीन जंक्शन है, ठीक है। जंक्शन कहाँ जहाँ दोनों मिलते हैं, पी और एन ये दो मिल रहे हैं, ये तो एक जंक्शन एक ये एक दो तीन, तो ये चार लेयर, 4-layer और 3 junction, ठीक है, 4-layer और 3 junction डिवाइस है। अगर इससे आपसे पूछ लिया जाए कितने टर्मिनल हैं, तो टर्मिनल जो आपके होते हैं, एक होता है आपका एनोड, एक होता है कैथोड और एक होता है आपका गेट, ठीक है। तो तीन टर्मिनल आपसे पूछे जाएँ तो थ्री टर्मिनल डिवाइस है, 3 junction डिवाइस है, 4-layer डिवाइस है, और कौन कौन सी लेयर होती है, PNPN, ठीक है। इस ये एक क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखना, ठीक है। PNPN डिवाइस अगर पूछा जाता है थायरिस्टर इज 1, 2, 3, 4-layer डिवाइस, तो आप करते हैं 4-layer डिवाइस। अगर पूछा जाता है थायरिस्टर इज कितने टर्मिनल की डिवाइस है, 1, 2, 3, 4, तो 3 terminal डिवाइस। कितने जंक्शन डिवाइस है, तो 3 junction डिवाइस, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टर्मिनल डज नॉट बिलोंग टू द SCR, इनमें से कौन सा टर्मिनल है जो SCR को बिलोंग नहीं करता। अगर आप SCR का सिंबल देखोगे तो SCR का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये SCR का सिंबल है, ये आपका होता है एनोड, ये होता है आपका कैथोड और ये जी नहीं है, सी है, ठीक है, एनोड, और ये आपका होता है कैथोड और ये आपका होता है गेट टर्मिनल। तो इसमें आपके विच टर्मिनल डज नॉट बिलोंग टू, एनोड होता है आपका, ठीक है, गेट होता है आपका, ये रहा गेट टर्मिनल, और दूसरा क्या आपका बेस टर्मिनल नहीं है, इसमें आपको कहीं बेस टर्मिनल दिख रहा नहीं, ये गेट टर्मिनल है, ये कैथोड टर्मिनल है और ये आपका एनोड टर्मिनल है, कैथोड टर्मिनल होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेस टर्मिनल नहीं होता है SCR में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SCR कैसा है, देखो मैंने अभी बताया था आपको, वही बात है, SCR आपका कैसा है, 4-layer PNPN, ठीक है, PNPN, तो SCR आपका 4-layer हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये तीन सही है। अभी जंक्शन डिवाइस, जंक्शन कितने होंगे, 3, 1, 2 और 3, तो 4-layer है, 4 junction गलत हो गया, 4-layer 3 junction सही है, 4 layer होती हैं और 3 junction होती हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है आपको। SCR इज ए बाई डायरेक्शनल डिवाइस, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, कि जो SCR होता है वो नॉर्मल आपके PN जंक्शन की तरह ही एक फॉरवर्ड यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होती है, ठीक है, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, एनोड से कैथोड की तरफ, तो ये ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। SCR इज ए कंट्रोल डिवाइस, बिल्कुल सही बात है, नाम ही है सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। SCR की अगर फुल फॉर्म देखें, सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकन का बना होता है और ये कंट्रोलिंग डिवाइस है, ठीक है, रेक्टिफायर की तरह काम करता है, इसलिए सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर भी इसको बोलते हैं। इन SCR द गेट इज कंट्रोलिंग टर्मिनल, हाँ, जो आपका जो गेट टर्मिनल होता है, ठीक है, SCR में ये कंट्रोल करता है करंट को कि डिवाइस में कितना करंट फ्लो होगा एनोड से कैथोड के बीच में, तो ये कौन कंट्रोल करता है, आपका जो गेट टर्मिनल होता है ये कंट्रोल करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। SCR यूज फॉर हाई पावर एप्लीकेशन, हाँ, जो हाई पावर एप्लीकेशन के लिए ही हम SCR को यूज़ करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसका आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट आपको चूज करना है, तो इसका ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है कि SCR बायडायरेक्शनल डिवाइस है, यहाँ पे अगर यूनिडायरेक्शनल होता तो ये सही बात होती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द SCR स्ट्रक्चर द गेट टर्मिनल इज लोकेटेड, SCR स्ट्रक्चर में जो आपका गेट वाला टर्मिनल होता है वो कहाँ पर होता है, एनोड के पास होता है, कैथोड के पास होता है, या एनोड कैथोड के बीच में होता है। तो मैं आपसे आपको अपने अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो अब तक आप सही आंसर बता चुके होंगे इसका, मैं कई बार आपको अभी तक सिंबल बना चुकी हूँ, या एनोड या कैथोड, और कैथोड के ही पास में आपका क्या होता है गेट टर्मिनल, तो ये होता है आपका नियर द कैथोड टर्मिनल, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दो, और आपके जितने भी दोस्त हों, स्पेशली आपका जो भी कॉलेज का ग्रुप हो या आपके पास जो भी ग्रुप है, उन सभी में वीडियो को शेयर जरूर कर देना, आप लोग मेरे लिए इतना ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, आगे और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए,
कि सब्जेक्ट का चाहिए कैसा, सब कुछ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि मुझे और वीडियो बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए, उससे आपको बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट बिलो विच इट मस्ट फॉल टू कम्प्लीटली टर्न ऑफ द डिवाइस इज कॉल्ड। वो सबसे कम वैल्यू आपको बतानी है एनोड करंट की, जिसके बाद जो आपका ट्रांजिस्टर है फॉल टू कम्प्लीट टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं आपका होल्डिंग करंट। ठीक है, होल्डिंग करंट यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है, ये ध्यान रखना। होल्डिंग और लैचिंग में बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना, होल्डिंग करंट। आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्टैटिक वी आई कर्व फॉर द एस सी आर इज प्लॉटेड फॉर। जो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी एस सी आर की, वो किसके लिए प्लॉट की जाती है, तो जो एस सी आर की वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी, वो आपकी जो प्लॉट होती है लगभग, वो आपके एनोड करंट और एनोड वोल्टेज के बीच में होती है। ठीक है, ये आप इस एक्स एक्सिस पे आपका एनोड वोल्टेज, वाई एक्सिस पे आपका एनोड करंट, और जो गेट करंट यहाँ पे आई जी जीरो होता है। ठीक है, ये जो गेट करंट है ये इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, आई जी होता है वो वेरी करता है। ठीक है, तो एनोड करंट वर्सेस एनोड वोल्टेज विद गेट करंट एज ए पैरामीटर वेरी करता है। यहाँ पे आपका होल्डिंग करंट होता है, ये लैचिंग करंट होता है। होल्डिंग करंट पहले होता है क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती है, लैचिंग करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बोल सकते हो आप होल्डिंग करंट, यहाँ पे लैचिंग करंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक आप लोग बुक में देख के अच्छे से तैयार जरूर कर लेना। लैचिंग करंट इज देन द होल्डिंग करंट। कौन सा करंट ज़्यादा होता है लैचिंग और लोडिंग, जस्ट अभी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में भी बताया। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका लैचिंग होल्डिंग करंट होगा, ठीक, ये होगा होल्डिंग करंट, इसके ऊपर होगा लैचिंग करंट, क्योंकि लैचिंग करंट ज़्यादा होता है, यानी कि हाइयर होता है किससे, होल्डिंग करंट से, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी आप लोगों को अगर इसकी पीपीटी चाहिए, ये जो मैं पीपीटी बना के पढ़ाती हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी सभी पीपीटी मिल जाएंगी। एग्ज़ाम से पहले आपके मोस्टली सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे और हर एग्ज़ाम से पहले आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। आप लोग जितने भी वीडियो मैं बनाती हूँ, आप लोग अगर उतने तैयार करते रहोगे तो आपका एग्ज़ाम में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थायरिस्टर कैन बी बाउट फ्रॉम द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड टू द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बाय। एक थायरिस्टर है आपको, वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है, उसे आप फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लाना चाहते हो, तो उसे कैसे लाओगे, तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से हमेशा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लाने के लिए आप एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करोगे, कहाँ पर, एनोड टू कैथोड टर्मिनल। ठीक है, एक दो मेथड और है, उनसे भी ला सकते हो, मोस्टली आप इस तरह से ला सकते हो, अप्लाइंग ए रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस एनोड कैथोड टर्मिनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर इफेक्टिव टर्निंग ऑफ द एससीआर। अगर आपको एससीआर को टर्न ऑफ करना है आफ्टर द एनोड करंट हैज रीच्ड जीरो वैल्यू, जब एनोड करंट आपका किस पे जीरो वैल्यू पे पहुंच गया है, तो चार्ज आप कैसे इंजेक्ट करोगे, अप्लाइंग रिवर्स एनोड वोल्टेज। ठीक है, चार्ज इंजेक्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें टर्न ऑफ करना है, टर्न ऑफ करना है तो चार्ज जो पहले से स्टोर हैं उनको निकालना है, रिमूव करना है, तो चार्जेस आर रिमूव्ड बाई अप्लाइंग द रिवर्स एनोड कैथोड वोल्टेज। हम चार्जेस को रिमूव करेंगे जो पहले से स्टोर है, अप्लाइंग रिवर्स कैथोड वोल्टेज, तब वो हम टर्न ऑफ कर पाएंगे एस सी आर को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजली द फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड इज नॉट यूज टू टर्न ऑन द एस सी आर। जनरली हम फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड यूज नहीं करते एस सी आर को टर्न ऑन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लॉसेस को इंक्रीज कर देता है, नॉइज़ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, इट मे डैमेज द जंक्शन एंड डिस्ट्रॉय द डिवाइस। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज हम ट्रिगरिंग इसीलिए नहीं यूज नहीं कर सकते कि क्योंकि ये जंक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो जंक्शन को डैमेज कर सकता है और डिवाइस को ख़त्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो सी ऑप्शन आपका इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो बहुत सूटेबल मेथड है टू टर्न ऑन द एस सी आर डिवाइस इज द, मैं से वो कौन सा मेथड है जो बहुत सूटेबल है मेथड टू टर्न ऑन द एस सी आर डिवाइस। गेट ट्रिगरिंग मेथड सबसे सूटेबल मेथड होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर टर्निंग और ये तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ये सब ए ऑप्शन आपका सही है, गेट ट्रिगरिंग मेथड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉरवर्ड ब्रेकआउट वोल्टेज इज मैक्सिमम व्हेन, तो ये ध्यान रखना, जो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज होता है और जो गेट करंट होता है उसमें हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर फॉरवर्ड ब्रेकआउट वोल्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है, इसमें मैक्सिमम फॉरवर्ड ब्रेक वोल्टेज मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम है तो गेट करंट मिनिमम होगा, सबसे कम होगा,
ठीक है। तो आपसे पूछा गेट करंट इन्फाइनाइट, जब वोल्टेज है इतना ज़्यादा तो गेट करंट तो इतना ज़्यादा हो नहीं सकता ना, माइनस इन्फाइनाइट होगा तो गेट करंट आपका क्या होगा, जीरो। ठीक है, जब फॉरवर्ड ब्रेक का वोल्टेज जब ज़्यादा होगा मैक्सिमम तो गेट करंट आपका क्या होगा, जीरो। अगर यहाँ पे बोलता हूँ फॉरवर्ड ब्रेक को मिनिमम तो गेट करंट आपका मैक्सिमम होता है। ठीक, फिलहाल इसका आंसर आपका बी ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द एससीआर टू रिमेन इन द ऑन स्टेट, एससीआर को ऑन स्टेट में रखने के लिए आप क्या करोगे, गेट सिग्नल कंटिन्यूसली देने की जरूरत पड़ती है, नो कंटिन्यूस गेट सिग्नल इज रिक्वायर्ड। ये आप आंसर आपका सही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। आपको जब एससीआर एक बार टर्न ऑन हो जाए, ठीक है, उसके बाद जो गेट होता है वो अपना कंट्रोल डिवाइस पे खो देता है, फिर आप कंट्रोल वो गेट करंट को चाहे कुछ भी करो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कंटिन्यूस गेट सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती, बस एक बार स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत होती है। तो बी ऑप्शन आपका सही है, एक बार ऑन स्टेट में चला जाए फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं होती गेट करंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एनोड करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंडक्शन ऑफ एससीआर इवन दो द गेट सिग्नल इज रिमूव इज कॉल्ड एज। जो वैल्यू होती है एनोड करंट की जो हमें चाहिए कंडक्शन एससीआर के कंडक्शन के लिए, यानी कि एससीआर को ऑन रखने के लिए जो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए ही चाहिए, उसको हम बोलते हैं लैचिंग करंट। ठीक है, लैचिंग करंट इवन द गेट सिग्नल रिमूव होने के बाद भी उसको बोलते हैं लैचिंग करंट, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। आप लोग पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक क्वेश्चन देखना, इनमें अगर आप लोग पूरा वीडियो देखोगे, सभी वीडियो देखोगे तो आप मेरे को इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपने दो क्वेश्चन देखे चार देखे आप वीडियो स्किप करके चले गए, क्योंकि जहाँ से आप क्वेश्चन वीडियो को छोड़ जाते हो उसके आगे वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, सभी का लक मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। ठीक, आप मेरे लोगों में से कितने लोगों ने पैट का एग्ज़ाम दिया था और उनका कितना स्कोर रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद आपके जो कुछ एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप मान लो एसएससी जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, एसएससी जेई या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, कंपटीशन के अभी से कर रहे हो या नेक्स्ट ईयर के बाद से करोगे, तो सभी के लिए आपके कुछ पोर्शन कॉमन होता है, जैसे कि कॉमन पोर्शन आपका होता है करंट अफेयर और जीके, और ये चीज़ आपकी जीके जीएस जो होता है आपका जनरल स्टडीज़ आप एक दिन में तैयार नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको डेली थोड़ी थोड़ा पढ़ना होता है। इसके लिए मैंने सोच रही हूँ कि आपका एक वीडियो थोड़ा रोज़ बना दिया करूँगी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो, जिससे आपकी आप लोग एक वीडियो रोज़ देखने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा और धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा आपको कितने सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, और जो आप एक दो साल अगर इसको देखते रहेंगे तो आप एक साल बाद ही एग्ज़ाम दोगे मोस्टली, पैट वगैरह का दे सकते हो, तो उसके लिए भी आपके फैक्ट बहुत तैयार हो जाएंगे। एक साल मैं धीरे धीरे आप वीडियो बनाऊँ, आप रोज़ 10-15 मिनट का एक वीडियो देखिए, आप देखना आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। साथ साथ में करंट अफेयर बहुत ज़रूरी होता है, उसको भी मैं कवर करूँगी। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवॉइड कम्युनिकेशन फेलियर, अगर हमें कम्युनिकेशन फेलियर को अवॉइड करना है तो सर्किट का टर्न ऑफ टाइम है वो ज़्यादा होना चाहिए थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम से। ये बात बिल्कुल सही है, पहली बात ही सही है, सर्किट का टर्न ऑफ टाइम ज़्यादा होना चाहिए किसके, थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम के, जिससे कि कोई कम्युनिकेशन फेलियर ना हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इफ़ द कैथोड ऑफ द एससीआर इज मेड पॉजिटिव, अगर कैथोड है एससीआर का हमने पॉजिटिव बनाया है विद रिस्पेक्ट टू एनोड एंड और हमने कोई गेट करंट अप्लाई नहीं किया, तो इनमें से कौन सा जंक्शन रिवर्स वाइज होगा कौन सा फॉरवर्ड वाइज होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो उसको किस तरह से डील करें ये देखो। कोई दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ, इस पर जगह नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये देखो इस पे बताती हूँ, अगर मान लो आपका आता है ये है आपका पी एन एन पी एन। ठीक, अब इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इफ द गेट इफ द कैथोड ऑफ एन एससीआर मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एनोड, अगर आप कैथोड को पॉजिटिव कर दो, यहाँ पे क्या होता है एनोड, यहाँ होता है कैथोड, अगर कैथोड को आप पॉजिटिव कर दो एनोड के रिस्पेक्ट में, और क्या कहा है एंड नो गेट करंट, गेट करंट अभी आपने अप्लाई नहीं किया तो गेट करंट की बात छोड़ दो, कोई इशू नहीं है गेट करंट का। तो नेक्स्ट है आपका, तो क्या होगा सभी जंक्शन रिवर्स वाइज हो जाएंगे फॉरवर्ड वाइज, बस ये पता करना है आपको कौन सा जंक्शन रिवर्स वाइज होगा कौन सा, तीन जंक्शन होंगे, एक पी एन पी और एन के बीच में, एक ये एन और पी के बीच में, एक ये पी और एन के बीच। अगर कैथोड पॉजिटिव है तो आप यहाँ पर हाइयर वोल्टेज मान लो समझने के लिए, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर 5 वोल्ट है तो इससे वोल्टेज कम होता जाएगा 4 3 2, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव रिस्पेक्ट में।
अगर हम आपको ये समझाने के लिए वोल्टेज बता रहे हैं, वैसे आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करके भी समझ सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ 5 और 4 वोल्ट है, तो एन ज़्यादा है और पी कम है, ठीक है। अगर एन ज़्यादा है और पी कम है तो यह जंक्शन आपका कैंसा हो गया, रिवर्स वाइज हो गया। अब फॉरवर्ड वाइज के लिए पी ज़्यादा होना चाहिए था, पी पॉजिटिव होता यानी कि पी ज़्यादा होता और एन कम होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, एन पे 5 वोल्ट है और पी पे 4 वोल्ट है, तो ये रिवर्स वाइज हो गया आपका जंक्शन, यानी कि उल्टा है। पी ज़्यादा होना चाहिए, पी पे पॉजिटिव होना चाहिए, एन पे नेगेटिव फॉरवर्ड वाइज के लिए। अब ये वाला जंक्शन देखो, यहाँ पे पी के पास 4 है, एन के पास 3 है, पी 4 है, इसका मतलब क्या है, पी पे ज़्यादा है तो ये फॉरवर्ड वाइज हो गया, ठीक है। पी ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो आपका होता है फॉरवर्ड वाइज। अब यहाँ पर देखो, एन 3 और ये 2, एन पे आपका कितना है, 3 है और पी पे 2 है, यानी कि पी पे कम है और एन पे ज़्यादा है, यानी कि आपका उल्टा हो गया फिर से, तो ये जंक्शन भी आपका रिवर्स वाइज हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से बैक करो, फिर से देख सकते हो। एक कहने का मतलब है, ये ज़्यादा है हम ये मान के चलते हैं पॉजिटिव, एन पॉजिटिव है, पी नेगेटिव है, तो रिवर्स वाइज हो गया। अगर पी, यहाँ पे देखो, पी पे ज़्यादा है 4, यानी कि हमने मान लिया पी पॉजिटिव है, एन नेगेटिव है, एन पे कम है, तो ये पी वाला पॉजिटिव, एन वाला नेगेटिव, यानी कि फॉरवर्ड वाइज। जब भी पी पॉजिटिव होगा तो आपका कैसा होगा, फॉरवर्ड वाइज, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव मतलब फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। तो ज़्यादा कम वोल्टेज, जो ज़्यादा वालों से पॉजिटिव, मान लो कम वाले को नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ पर देखो, पी एन के यहाँ पे क्या है, 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है, एन वाला ज़्यादा है, इसका मतलब रिवर्स वाइज, पी वाला कम है, पी वाला ज़्यादा होता तो फॉरवर्ड वाइज। अब इसमें से फॉरवर्ड वाइज 2 जंक्शन रिवर्स वाइज हैं, पहले दूसरे, ठीक है, कहाँ पहुँच गया, 2 जंक्शन आपके रिवर्स वाइज हैं और बाकी एक जंक्शन जो है आपका, बाकी जो एक जंक्शन है आपका वो आपका कैसा है, ये देखो, ये वाला बीच वाला आपका फॉरवर्ड वाइज है, बाकी ये दोनों रिवर्स वाइज हैं। देखो क्वेश्चन में, ऑल द जंक्शन आर रिवर्स वाइज, ये गलत है, सभी कहाँ रिवर्स वाइज हैं, ऑल द फॉरवर्ड ऐसा फॉरवर्ड वाइज भी नहीं है, ओनली द मिडिल जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज, ये बात आपकी सही है, केवल मिडिल जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है, बाकी ये दोनों कैसे हैं, रिवर्स वाइज, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ओनली द मिडिल जंक्शन रिवर्स, मिडिल जंक्शन रिवर्स वाइज नहीं है, मिडिल जंक्शन कैसा है, फॉरवर्ड वाइज, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन डील करना हो तो आप इसी तरह से डील करोगे, ठीक है। कंडीशन रिवर्स भी हो सकती है, आपसे ये भी कहा, ये भी कहा जा सकता है कि एनोड पॉजिटिव है कैथोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो आप वहाँ से वोल्टेज लेके चल लो, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए पी एन, ठीक। अगर आपसे कहा जाए एनोड पॉजिटिव है कैथोड नेगेटिव है, तो आप यहाँ 5 मान लो, यहाँ 4 मान लो, 3 2 ऐसे कम करते हुए चले आओ, ठीक है। पी पे ज़्यादा है, पी पे 5 है, एन पे कम है, 4 है, तो पी पे ज़्यादा हमने मान लिया, पी पॉजिटिव है, फॉरवर्ड वाइज हो गया ये वाला जंक्शन, कितना आसान है। अगर ये एन पे ज़्यादा है यानी कि पी पे कम है, यानी कि रिवर्स वाइज हो गया बीच वाला जंक्शन। अब यहाँ पे देखो, पी पे ज़्यादा है और एन पे कम है, तो ये वाला क्या है, पी पे ज़्यादा है तो फॉरवर्ड वाइज हो गया। अगर इसके रिवर्स कंडीशन होती, एनोड पॉजिटिव होता, तो बीच वाला जंक्शन आपका रिवर्स वाइज होता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया अभी भी तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को अच्छे से समझ लो। एक आध चीज़ मैं ज़्यादा नहीं बताती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको बताना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रख के सुन लो, आपके काम आएगा। इन द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, द मिडिल जंक्शन J2 हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट ऑफ ए, जो मिडिल जंक्शन होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में मतलब जो अब इससे पहले हमने अप्लाई किया था, यानी कि एनोड पे नेगेटिव, कैथोड पे पॉजिटिव, तो जो बीच वाला जंक्शन होता है वो आपका कैसा, कैपेसिटर की तरह काम करता है, ठीक है, जो रिवर्स वाइज था, बी ऑप्शन आपका सही है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करना, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा तो लाइक डिसलाइक कर सकते हो। फॉर एन SCR के लिए, जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में लीकेज करंट फ्लो नहीं करता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है तो लीकेज करंट फ्लो करेगा ही, ठीक है। लीकेज करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, अगर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, रिवर्स ब्लॉकिंग का मोड का मतलब क्या है, उल्टा है, एनोड पॉजिटिव नहीं है, एनोड कैसा है, नेगेटिव, कैथोड आपका पॉजिटिव है, तो अगर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है तो करंट तो आपका कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेगा, ठीक। लीकेज करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, लीकेज करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो आपको हमने क्या होता है, लीकेज रिवर्स लिखूँ तो लीकेज करंट, करंट हमेशा हाई टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल फ्लो करता है, लेकिन करंट आपका कैथोड टू एनोड फ्लो करेगा, सी ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द एनोड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, अगर आपका एनोड पॉजिटिव है, एनोड आपकी इस बार आपका पॉजिटिव है, किसके, कैथोड के रिस्पेक्ट में, तो कैथोड आपका किस पे हो गया, नेगेटिव पे,
और गेट सर्किट आपने ओपन रखा है, ठीक है, गेट से हमें कोई मतलब नहीं है, गेट अभी हमारा खुला हुआ है, ठीक है, गेट ओपन है। द SCR इज सेट टू बी इन, तो SCR को हम किस किस मोड में कहेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, रिवर्स कंडक्शन मोड में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, या फिर आपको हम इसको कहेंगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। तो ये जो आपका होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा, ठीक है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड मोड में होगा, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, सी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ये शायद आपका लास्ट नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज इज द, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होता है, तो जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है वो आपका एनो टू कैथोड वोल्टेज होता है, जिसपे कंडक्शन स्टार्ट करता है जब नो गेट सिग्नल इज अप्लाई, जब कोई गेट सिग्नल अप्लाई नहीं करते, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फॉर ए फॉरवर्ड फॉरवर्ड कनेक्टिंग SCR डिवाइस एज द फॉरवर्ड एनो टू वोल्टेज इज इंक्रीज, तो फॉरवर्ड कनेक्टिंग SCR डिवाइस है, जैसे ही फॉरवर्ड एनोड वोल्टेज, फॉरवर्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज है आपका इंक्रीज करता है, तो डिवाइस जो होती है आपकी टर्न ऑन हो जाती है लोअर वैल्यूज ऑफ गेट करंट, यानी गेट करंट की लोअर वैल्यूज पे भी आपकी डिवाइस क्या हो जाती है, टर्न ऑन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द सेमी कंडक्टर थायरिस्टर डिवाइस विच कैन बी टर्न ऑन बाई लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट वेवलेंथ, मतलब कौन सा जो आपका थायरिस्टर डिवाइस है जो लाइट्स के द्वारा एक्टिवेट किया जा सकता है एप्रोप्रिएट वेवलेंथ की, तो वो आपका होता है LASCR आपका होता है लाइट एक्टिवेटेड SCR, ठीक है, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, डी ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन और बचे, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है आपको। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द गेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए थायरिस्टर गिव्स, जो एरिया होता है अंडर द कर्व ऑफ ए गेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए थायरिस्टर, वो आपको टोटल एवरेज गेट पावर डिसिपेशन देती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है स्लाइड का, तो पेशेंस रख के सुन लो। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन टाइम और टर्न ऑन टाइम, ट्रांजिशन टाइम और टर्न ऑन टाइम के टाइम पे जो होता है फॉरवर्ड वन नोड वोल्टेज होता है आपका, वो डिक्रीज कर जाता है 90% से 10% तक, और जो एनोड करंट होता है, एनोड वोल्टेज डिक्रीज कर जाता है फॉरवर्ड एनोड वोल्टेज, और जो एनोड करंट होता है वो बढ़ जाता है 10 to 90% ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो ध्यान रखना वोल्टेज डिक्रीज कर जाता है एनोड का, VA एनोड वोल्टेज डिक्रीज करता है 90 to 10%, और जो एनोड करंट होता है IA वो बढ़ जाता है उतना ही, कितना 10 to 90%, तो इसका सी ऑप्शन सही है। बाकी अभी इस थायरिस्टर फैमिली पे आपके और भी वीडियो बनेंगे, क्योंकि ये केवल थायरिस्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं, डायक्ट ट्रायक इनके भी और UJT वगैरह, उनके क्वेश्चन भी आगे के वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।